हेलो फ्रेंड, फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों को हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन फॉर यू में। दोस्तों, एक चौंकाने वाली बात मैं आपको बताने वाला इस वीडियो में। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कितना कैंडिडेट अपीयर हुआ था और कितना पास हुआ है, आपको यकीन नहीं होगा। दोस्तों, एजुकेशन का लेवल ऐसा है हमारे स्टेट में। तो चलिए मैं आपको प्रूफ के साथ बता देता हूँ कि क्या है वो इन्फॉर्मेशन जो आप जानने के बाद आप भी सोच पाएंगे कि सच में एजुकेशन लेवल जो है बहुत डाउन चल रहा है। तो चलिए बताते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप। तो बिहार SSC का ये ऑफिशियल साइट है, इसके सबसे पहले आपको आ जाना है सूचना पट पर। सूचना पट पे क्लिक करिएगा दोस्तों, तो 25/2/2019 का एक नोटिफिकेशन है कि इम्पोर्टेंट नोटिस आपको जारी किया गया है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, चलिए इसे हम ओपन कर लेते हैं। इसे ओपन कर लिए, ओपन करने के बाद देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ विज्ञापन संख्या दोस्तों 111 पद समूह घ से समूह ग लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में एकमात्र सफल अभ्यर्थी श्री ऋतुराज प्रभाकर अनुक्रमांक, यहाँ पे देख रहे हैं, और इसका रोल नंबर भी दिया हुआ है, इतना पास हुआ है। इसका जो दोस्तों टंकन जांच भी लिया गया, तकनीकी योग्यता जांच परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहने के कारण उक्त परीक्षा का परिणाम शून्य घोषित किया जाता है। तो दोस्तों, इसका रिजल्ट जो है मतलब जीरो घोषित किया गया, कोई भी स्टूडेंट इसमें पास नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं इसमें कितना स्टूडेंट पास था और कितना इसमें सीट था और कितने स्टूडेंट इसमें अपीयर हुए, मैं आपको बता देता हूँ, फिर भी इसमें जीरो रिजल्ट रहा। तो चलिए देखते हैं इसमें टोटल सीटों की संख्या जिसका रिजल्ट शून्य रहा। तो इसी पेज पे विज्ञापन संख्या जैसे कि आप लोग 111 देख रहे हैं, इसके नीचे में चले जाना है। नीचे जाते रहिए, जो भी आपको विज्ञापन संख्या 111 दिख रहा है वो इस जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं विज्ञापन संख्या 111 जो है, क्लिक हियर टू डाउनलोड रिजल्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट नंबर 111, इसे आपको क्लिक करने के बाद अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसके बारे में, सीटों के बारे में हम देख लेते हैं कि इसमें टोटल सीट कितना था। जो कोई भी स्टूडेंट पास नहीं हुआ, मात्र एक स्टूडेंट पास हुआ, वो भी आपको टंकन परीक्षा में जाके फेल हो गया, मतलब शून्य रिजल्ट इसको देना पड़ा था। अब मैं आपको यहाँ बता दूँ इम्पोर्टेंट नोटिस, यहाँ पे देखिए 111 के बारे में तीनों चीज दिया हुआ है। क्लिक हियर टू डाउनलोड मैथ टेस्ट, तो आपका आंसर की भी इसमें यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद चलिए एडवर्टीजमेंट नंबर हमको डाउनलोड करना है, वहां से हमको पता चल जाएगा कि इसमें कितनी सीट था। तो यहाँ पे लिंक टू डाउनलोड एडमिट कार्ड, तो यहाँ पे जो 111 देख रहे हैं ये आपको एडमिट कार्ड जब रिलीज हुआ था उसका यहाँ पे दिया हुआ है लिंक। और भी नीचे होके हम जा रहे हैं तो देख लेते हैं इसमें कितनी सीट है। दोस्तों, ये बहुत मतलब गिल्टी फील करने वाली बात है, क्योंकि अभी इसमें कोई भी स्टूडेंट पास नहीं हुआ, मात्र एक पास हुआ, लेकिन वो भी आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे हम 22/6/2018 को इसका जो नोटिफिकेशन आया है सबसे पहले, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करके देख लेते हैं इसमें कितना सीट था। तो चलिए इसे डाउनलोड कर लिए। अब यहाँ पे लोग देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 111 पद घ के कर्मियों से पद वर्ग ग लिपिक 194 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु समिति सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 2018 में पटना स्थित परीक्षा केंद्रों पर आय संभावित है। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं 194 सीट था इसमें, लगभग हमको लगता है 1000+ स्टूडेंट इसमें अपीयर हुए होंगे, लेकिन इसमें कोई भी स्टूडेंट फाइनली रिजल्ट नहीं लाया। तो आप जान सकते हैं एजुकेशन लेवल कितना डाउन है दोस्तों। तो ये एक चौंकाने वाली ही इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज एक तो जॉब का अपॉर्चुनिटी कम रहता है हमारे स्टेट बिहार में, उसके बाद अगर कोई भी आता है फॉर्म तो वो भी संविदा के आधार पर, लेकिन जो भी आता है इसका यहाँ पे रिटेन एग्जामिनेशन लिया गया था, इसका सारा कुछ हुआ, लेकिन इसमें कोई भी स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाए। अब फिर से इसका वैकेंसी निकालेगा या अंदर ही अंदर कुछ और ही मामला है, इसका तो अभी इन्फॉर्मेशन हम नहीं कलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो ज़रूर हम आपको देंगे। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो हम जो है आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, इसका वैकेंसी देगा फिर से, अगर कोई झोल है तो नहीं देगा, बिकॉज यहाँ पर आजकल बहुत से ऐसे देखने को मिलता है जिसमें आपको अंदर ही अंदर सब कुछ हो जाता है, लेकिन रिजल्ट आपको जीरो पब्लिश किया जाता है। लेकिन ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, इसका रिजल्ट तो अब फाइनली दे दिया है, कोई भी कैंडिडेट इसमें अपीयर नहीं, सॉरी दोस्तों,
इसमें कोई भी पास नहीं हुई है इसका फिर से एडवर्टीजमेंट देगा, फिर से इसका वैकेंसी निकालेगा और फिर से इसमें एग्ज़ाम लेने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों आप चैनल के साथ बने रहिएगा, जैसे इसके बारे में कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आता है हम आपको देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।